नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंगमंच एंड सिनेमा टिप्स में। साथियों, मैं फिर से एक बार उपस्थित हूं आप लोगों के सामने अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू जानकारी के साथ। आज हम लोग बात करेंगे सिंटा आर्टिस्ट कार्ड के बारे में। हम लोग जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि सिंटा आर्टिस्ट कार्ड है क्या, अगर एक्टर इसको बनवाता है सिंटा आर्टिस्ट कार्ड को, तो उसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, और साथ में सिंटा आर्टिस्ट कार्ड बनवाने का प्रोसेस क्या है। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने वीडियो के तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंटा का परिचय बताता हूँ कि सिंटा है क्या। सिंटा जो है बॉलीवुड की एक पुरानी संस्था है, ग्रुप है, जिसका पूरा नाम है सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन। साथियों, इसका ऑफिस मुंबई में है, और सिंटा एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व में इसका 5वां स्थान है। साथियों, अगर हम लोगों को सिंटा का मेंबरशिप लेना है, आर्टिस्ट कार्ड बनवाना है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं जो कि हम लोगों को पूरा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मुंबई के बाहर के रहने वाले हैं, और आप जहाँ पर हैं वहाँ पर व्यस्त हैं, आप मुंबई नहीं आ सकते, तो साथियों आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपका जो है आईडी प्रूफ में आधार कार्ड लगता है, और जो कॉलम होता है उसको फिलअप करना पड़ता है आपको। फिलअप करने के बाद साथियों आपको एक अपना ऑडिशन बढ़िया सा बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑडिशन का लिंक जो है अटैच करना पड़ेगा अपने फॉर्म में, फिर फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। साथियों, अप्लाई करने के बाद जो है सिंटा उसको वेरीफाई करता है और आपके ऑडिशन को देखता है, फिर उसके बाद निर्णय लेता है कि आपको सिंटा का कार्ड मिलेगा या नहीं। जब साथियों आप जो है ऑडिशन में पास हो जाते हो, तब जो है आपको सिंटा का मेंबरशिप मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है। इस तरीके से आप जो है सिंटा का कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुंबई में हैं तो ऑफलाइन भी सिंटा कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आपको जो है सिंटा के ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वहां जाने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, फिर सिंटा के अधिकारी जो है आप लोगों को एक स्क्रिप्ट देंगे, आप उस स्क्रिप्ट को याद करके तैयार करके ऑडिशन कैमरे के सामने देना पड़ेगा। जब आप ऑडिशन पास कर लेते हो साथियों, तो फिर सिंटा के जज द्वारा आपका इंटरव्यू होता है, जो कि बॉलीवुड के सीनियर एक्टर होते हैं, उनके द्वारा आपका इंटरव्यू होगा। आप इंटरव्यू जब पास कर लेंगे साथियों, तब जो है आप सिंटा कार्ड के धारक बन जाएंगे। इस तरीके से आप सिंटा कार्ड बनवा सकते हैं। तो साथियों, इतने सारे प्रोसेस होने के बाद सिंटा का कार्ड प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कुछ फीस को भी पे करना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो साथियों, तो आपका 10,000 रुपया लगता है, और सिंटा जो है आप लोगों को एक साल का मेंबरशिप देता है। आप जो है उस एक साल के भीतर में बॉलीवुड में काम करते हो, अगर आपको लगता है मुझे काम मिल रहा है, तब फिर दूसरे साल रेन्यूअल कराइए, वरना मत कराइए। तो साथियों, जब आप दूसरे साल रेन्यूअल कराओगे अपने कार्ड को, तो फिर 10,000 रुपया लगता है। उसी तरीके से तीसरे साल भी लगता है, यानी कि आपका टोटल 3 साल में 30,000 रुपया लगता है। उसके बाद साथियों आपका चौथे साल में आप करीब लगभग 20,000 रुपया और देते हो सिंटा को, तब जो है आपका रेगुलर आजीवन मेंबरशिप मिल जाता है। इस तरीके से आप जो है सिंटा का आजीवन मेंबरशिप ले सकते हैं, और हर 3 साल पे सिंटा का चुनाव होता है साथियों, और उस चुनाव में आप वोटिंग के हकदार भी हो जाते हो। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सिंटा आर्टिस्ट कार्ड बनवाने से एक्टर को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर एक्टर जो है सिंटा आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेता है, तब उसको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे जब आर्टिस्ट कार्ड एक्टर के हाथ में आ जाता है सिंटा का, तब उस कार्ड पर एक्टर का बीमा होता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। अगर एक्टर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तब उस बीमा का पैसा एक्टर को मिलता है। इसी तरीके से जब सेट पर एक्टर काम करता है, शूटिंग करता है साथियों, अगर उस वक्त कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जाती है
एक्टर को, तब उस वक्त जो है सिंटा ग्रुप आपके साथ मदद करने के लिए खड़ा रहती है। इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर जब आपको सिंटा आर्टिस्ट कार्ड मिल जाता है साथियों, तो आपका एक पहचान पत्र बन जाता है कि आप एक एक्टर हो, अभिनेता हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड बनवाने से। तो साथियों, मेरा पर्सनल आप लोगों से राय है कि अगर आप लोग कार्ड बनवाइए तो सिंटा का ही बनवाइए, बाकी कोई संस्था का मत बनवाइए। सबसे विश्वसनीय संस्था यही है, बॉलीवुड की सबसे पुरानी संस्था है साथियों। तो साथियों, यही छोटी सी जानकारी थी आज के हमारे इस वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।